आइए दोस्तों एक तंजमिजा की शायर जनाब पप्पू लखवी साहब से मुलाकात करते हैं। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल करें तंजमिजा की शायर। आपकी तालियां कम पड़ रही हैं, जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल करें। हजरत सर 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 दो तीन शेर पढ़ता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो दुआओं से नवाज़ बस। पाँच पाँच मतलब देखिए हजरत, मतलब एक शेर सुनाना उसके लिए मतलब आता है कि लहजे में एक पठान की नरमी न ढूंढिए। वाह, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए और बंदूक की दुकान में छुरी न ढूंढिए। वाह वाह वाह, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए और बंदूक की दुकान में छुरी न ढूंढिए। और आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अरे आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यही शेर सुनाना था कि आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। दौलत की रेल फेल में मासूमियत कहाँ? अरे दौलत की रेल फेल में मासूमियत कहाँ? अरे ये मैं कहता है पीने का पानी न ढूंढिए। वाह वाह वाह, दौलत की रेल फेल में मासूमियत कहाँ? ये मैं कहता है पीने का पानी न ढूंढियो। एक बिल्कुल नया शेर के चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको हजरत। भाई 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 वाह वाह भैया, चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको। वाह वाह, चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। हजरत, अभी एक इलेक्शन गुजरात में हुआ था और उसमें अल्लाह ने साथ दिया था, सब हिंदू थे जिन्हीं ने अहमद पटेल को जिताया, उसमें कुदरत ने साथ दिया था, उन लोगों के दिलों में बिठा दिया था कि अहमद पटेल को कामयाब ना हो, वरना डेढ़ वोट या एक वोट से अहमद पटेल जीते हैं। अब हजरत मैं जी आधा आधे वोट से जीते, ये सिर्फ अल्लाह ने जिताया और हिंदुओं के दिलों में डाल दिया कि नहीं अहमद पटेल को जिताना। अब हजरत चलिए मैं अपने गांव का एक मंजर आपको दिखाता हूँ। एक गरीब मजदूर किसान फटे हाल परेशान हाल, अल्लाह ने कहां से कहां उसको पहुंचा दिया। चार मिसरे दे दिए, जो एक गुब्बारे पूछे वैश्य कल तलक। वाह, जो एक गुब्बारे पूछे वैश्य कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। जो एक गुब्बारे पूछे वैश्य कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। अरे हजरत, तो फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन? हजरत, तो फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन? अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। निकल चल, निकल जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, छह शायर बाकी जी, छह शायर और बाकी। अच्छा, मैं चार मिसरे सुना या ना सुना? एक चार मिसरे मतलब आपको सुनाना चाहता हूँ। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दिए। अबे आवाज तो तेज करो मेरी जान, बस ये आखिरी है। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दिए, अल्लाह मुझे उनका गुस्सा खाना बना। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे, अल्लाह मुझे उनका गुस्सा खाना बना दे। अरे मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर, अरे मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर, अरे वो मूड में आकर तेरा सुरमा ना बना दे। वाह